सर क्या हो गया कल तो फुटबॉल लगे तो सर कल प्रैक्टिस करते तो लगे आप होगा कैमरा कर आप ही अच्छे से आप लगे हो जाओ अच्छा अभी सब कम कर दो काफी अच्छा पास वहां पर वहां पे मौजूद है हलीम काफी सीनियर प्लेयर देखने को मिल रहे हैं टीम आजाद स्पोर्टिंग क्लब में जैसे हमारे बस्ती के मौजन साहब हैं नाजू खालू हैं नूरोचा सरदार यानी बहुत ही सीनियर यानी ये जब 60 साल के ऊपर के लोग भी यहां पे मौजूद हैं क्या अच्छा सेव था वहां पर बैक एरिया थोड़ा पीछे है तो पीछे से ही बैक शॉट ले थोड़ा रनिंग में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर रनिंग स्लो है बॉल जो है ज्यादातर नरेंद्रपुर टीम के पास रहती है क्या है वहाँ पर माफू के पास शॉट किया वहाँ पर अच्छा सेव और यहाँ पर गेंद अपनी तरफ ही बॉल जाती हुई वहाँ पर अकरम मौजूद है अकरम क्या करता है सेव वहाँ पर फिर से मशीन के द्वारा अब हलीम के पास बॉल है और शॉट किया था वहाँ पर फिर सेव अच्छा सेव बड़े ए होते ना हकीक के पास अभी बॉल है आसान से पास पास खेल रहे हैं ज्यादातर और इसे खेल दिया है बॉल जाती हुई बाहर ये बैक शॉट देखने को भी मिल रहा है काफी सीनियर नाजो खान के द्वारा अच्छा शॉट यहाँ पर अच्छा शॉट यहाँ पर काफी अच्छा वहाँ पे पास अब बॉल कुछ देर के लिए सुखनी के पास नरेंद्रपुर में फिर से बॉल छीना अब टिक्की के पास बॉल है आसान से पास दिया वहां पर सैरी मौजूद है अच्छा तालमेल वहां पर बॉल लेके जाते हुए गोलकीपर को और यहां पर खतरा हो सकता है यहां पर नसीम के पास बॉल है वो अच्छा सेव बाबर अकरम का सेव ऑफसाइड ऑफसाइड यहां पर अच्छा शॉट यहां पर वसीम के द्वारा टिक्की मौजूद है वहां पर अब तक कुछ प्लेयर के पैर में गेंद बॉल लगी ही नहीं है लेकिन कोशिश पूरी तरह से 100% दे रहे हैं अच्छी पास वहाँ पर आसानी सा यूट्यूब में अच्छा सेव किया है वहाँ पर पूरी तरह से अपना जलवा दिखाते हुए काफी सीनियर प्लेयर है बहुत पहले सुखने के लिए खेलते थे बहुत साल बाद उतरे हैं आज और खतरा सकता है नूरो सरदार के पास बॉल थी लेकिन वहां पे अच्छा बैट नंदपुर की ओर से अब हलीम के पास बॉल है हल्के से पास करना चाहते हैं सैर अली ओवर मौजूद है क्या लाजवाब तालमेल वहां पर खतरा हो सकता है वहां पर वसीम भाई ने अपने तरफ ही टीका भाई ने गोल दे दिया है यहाँ पर नरेंद्रपुर के नरेंद्रपुर वन में सुखने जीरो के बड़ी प्लस सभी अपने ही प्लेयर हैं यहाँ पर या और होता हुआ सुखने को अच्छा तालमेल वहां पर माकू बॉल छीनता हुआ यहां पर लेके जा रहा है धीरे धीरे
वहाँ पर मौजूद है, हल्के से पास किया वहाँ पर मामिन भाई भी मौजूद है, लेकिन टारगेट से मिस किया भी। नाजो खान के पास बॉल है या काफी लाजवाब, वहाँ पर काफी मुरब्बी है उनका खेल करें थोड़ा उन्हें काफी जोश आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, काफी सीनियर है वो थोड़ा खेल लेते वहाँ 30 नंबर नहीं वो थोड़ा तीस नंबर बैंक कोई है नहीं तो क्लियर बॉल मिलेगी ना बॉल मार सकते हैं शायद। ये ऑफसाइड होता हुआ काफी लाजवाब शॉट वहां पर बॉल यहां पर इरफान मौजूद है जवाब हुसैन काफी सीनियर प्लेयर है मैं आपको बता दूं फिर से जो सुकनी टीम के प्लेयर खेल रहे हैं काफी ज्यादा एज है उनका लेकिन बस एक जोश यानी जिनके नाम से खेल हो रहा है 50 के ऊपर प्लेयर देखने को मिलेंगे 40 के ऊपर प्लेयर देखने को मिलेंगे आपको सभी सीनियर आएंगे अभी बस ये एक उनके याद में ये एक मैच खेला जा रहा है अकरम के लिए ताली यहाँ पर चार प्लेयर थे और अकेला था और गोल में से बचा लिया है मोमिन भाई मारते हैं पीछे मारते हैं मोमिन भाई पीछे मारते हैं फिर से गोल होने का मौका है वहाँ पर अभी होगा तो होगा लड़ाई तो अभी क्या मिडिल खेल लेके मार भाई एक तो सुझा दे काफी सीनियर है हमारे बस्ती के मौजन साहब आबिद काफी अच्छा पास तालमेल वहाँ पर नसीम के पास बॉल है नसीम बॉल रिसीव कर ले वो माफू का अच्छा शॉट वहाँ पर गोलकीपर अकरम मौजूद है गेंद को पकड़ना चाहता उन्हें उनको अल्लाह फिर से बोलो तेन हुई लेके मारते जाते अच्छा एक तो एटीएम का है दोनों तरफ से हल्दिया लाल कर देना ना ना दो ठो है दो ठो अच्छा तालमेल है यहाँ पर बॉल रिसीव नहीं कर पाए वहाँ पर आखिर के पास मौका है तो ऑफसाइड होना वाला पहले से खड़ी थे ना वहाँ दोनों
मैं आगे का हाल सुनाने के लिए सुफियान से गुजारिश करूंगा चारों तरफ दर्शक मेमोरियल टूर्नामेंट है अंद्रिया भजन और बड़ा भजन के नाम से मेमोरियल टूर्नामेंट कराया जा रहा है जिसमें पूरा सिकली और इसमें कंट्रीब्यूट किया है इसी बीच है शहरी की तरफ से लेकिन विक्रम जो कि कम से कम 7 गोल सेव किए हैं अकेले वन मैन आर्मी विक्रम वसीम भाई थोड़ा कुछ मैंने कमाल हुसैन सामने बहुत ही पुराने अकबरी को किक मारने में मशहूर पीछे पीछे आगे जाना पड़ेगा कमाल हुसैन को इस बार शहरी शहरी ने गोल दिया टूर्नामेंट हो रहा है जो शेख नौशाद मरहूम और मरहूम आजाद अली और नरेंद्रपुर क्लब टीम नरेंद्रपुर के दरमियान हो रहा है जिसमें नरेंद्रपुर आगे है और मैं यहां पर हमारे असलम भाई से गुजारिश करूंगा कि नौशाद अली साहब और आजाद अली साहब के बारे में दो शब्द बोले हेलो अकरम काफी शानदार गोल कीपिंग कर रहे हैं और डायरेक्ट गोल ओवर हमारे बिशनपुर और एसोसिएट के दरमियान अच्छा कॉर्नर वहां पर अच्छा सेव आफ्ताब शेख द्वारा उड़ जा दौड़ दौड़ भाई दौड़ ये मैच एक सिक्के साथ फर्स्ट हाफ खत्म होता हुआ नरेंद्रपुर 3 में सुखने 0 बैट उधर है उधर है क्रिकेट में फुटबॉल है एज वाले भी खेल सकते हैं इसमें अगर से रन अप हुआ रहा लेकिन आप लोग देख सकते हैं इस तरह जितने भी प्लेयर हैं सबका बाहर निकला हुआ है लाल सरदार खेल गोलकीपर अकरम और इसके साथ जा रहे भाई मार भाई एक ठू मार देंगे ना उतनी काफी है एक गोल की अच्छा अच्छा मार मार गोल की था नहीं मार फिर से मार मार गोल की था नहीं बढ़िया मार मार दो फर्स्ट हाफ खत्म होता हुआ नरेंद्रपुर 3 में सुखने 0 बॉल भाग गई बाहर उम्मीद जिस पर था वही खो दिया ना तो भाई जाओ जल्दी बैठ बैठ जल्दी बैठ उठा लो तू मुकाबला कर रही है ये बहुत बड़ी बात होने के बावजूद
डाल दो फर्स्ट टाइम डालो जोगी तो गांड देखा लग रही है इधर साला बॉल पे जा रही है बाहर बॉल को अंदर लेके आया ये उड़ा दी आ माका बात करने के लिए क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम और लेकिन उम्र में उम्र कम से कम 50 के ऊपर होगा अब उनका वो कांग गया काला कम टाइम दे रहे हैं हैंडबॉल हैंडबॉल मैं डायरेक्ट मारेगा नहीं हाथ से डाल दे हाथ से डाल दे बड़े वर्ष अच्छी पास शहरी ने काफी अच्छी तरह खिला रहे हैं अपनी टीम को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम सेमीफाइनल में कल जो सेमीफाइनल फाइनल होगा उसने अपने प्लेयर को तैयार कर रहे हैं कि कल के मैच के लिए तैयारी करें साला पानी आए बहुत जोर बहुत जोर से उड़ जाए हाँ इसी बीच एक चांस बनता हुआ गोल मुरो चचा किक लेंगे डायरेक्ट किक अच्छा किक है वो थोड़ा सा बाहर इसी बीच छोटे भाई खेल कर आ गए हैं शेख जी तरह अपने जमाने के स्टार अरे क्या करती हो बड़े प्लेयर है सर इज्जत दे रहे अकरम भाई भी बैठे हुए हैं काफी शौकी है खेल के उनको परस्यू किया गया था खेले लेकिन साला क्रिक लगते नहीं है बालू खत्म जिक के साथ नरेंद्रपुर 4 गोल से जीत चुका है सुपने 0 में।